हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सब लोग? आशा करता हूँ सब लोग अच्छा ही होंगे। तो चलिए आज का सेशन में हम बात करते हैं, अगर आप मोबाइल में बैक कवर यूज करते हैं तो कौन सा वाला बैक कवर यूज करते हैं, कौन सा वाला बैक कवर जो है आपके लिए सही है। देखिए मेरे पास इधर बहुत सारा बैक कवर है, क्या ये यूज करते हैं, क्या ये यूज करते हैं, क्या ये यूज करते हैं, क्या ये, क्या ये, कौन सा वाला यूज करते हैं और कौन सा वाला बैक कवर जो है आपके लिए सही है, ये मैं आपको आज का वीडियो में बताऊंगा। चलिए, अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरा वीडियो को लाइक कीजिए और मेरा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जितना दूर तक आप शेयर करेंगे उतना जो है आपका दोस्त लोग को भी पता चलेगा कि कौन सा बैक कवर जो है आपका दोस्त के लिए सही है, ठीक है। चलिए मेरा इंट्रोडक्शन तो बनता है, मेरा नाम है संजीत और आप देख रहे हैं अनोखा टेक्निक। चलिए बात करते हैं बैक कवर के बारे में। बैक कवर बहुत प्रकार की होता है, जैसे कि हार्ड केस होता है, सिलिकन केस होता है, मतलब ये जो है लेदर केस होता है, और ये जो है स्मोक वाला भी ज़्यादा चल रहा है, और ये जो है नॉर्मल केस होता है। ये सब बहुत प्रकार की कवर होता है। देखिए कवर तो मेरे पास बहुत सारा है, तो आपको कोई भी कवर लेने से पहले क्या क्या जो चीज़ है आपको ध्यान में रखना है मैं बताता हूँ। देखिए कवर जो है मेरे पास चार पांच प्रकार की है, जो आपको कवर लेने से पहले आपको क्या क्या चीज़ जो है आपको ध्यान में रखना है। देखिए पहले जो है आपको ध्यान में रखना है कि आपका कवर जो है सॉफ्ट होना चाहिए, हमेशा से सॉफ्ट होना चाहिए। देखिए आपका मोबाइल में हमेशा देखिएगा, आपका मोबाइल जब नया आता है तो उसमें सिलिकॉन केस आता है, क्योंकि वो जो कवर होता है बहुत सॉफ्ट होता है और आपका मोबाइल को प्रोटेक्शन देता है। तो आप जब भी लेदर का ले या तो सिलिकॉन का ले, जो कि आपका मोबाइल को सेफ्टी में रखेगा और आपका मोबाइल को बचा के रखेगा, हमेशा गिरने से बचा के रखेगा, ठीक है। आपको सेफ्टी के लिए जो है आपको सॉफ्ट केस ही लेना है। दूसरा, अगर सॉफ्ट केस ले रहे हैं तो सॉफ्ट में देखिएगा, अगर बम्पर मिलता है ऐसा वाला बम्पर, देखिए चारों कोना में जो है बम्पर लगा हुआ है, बम्पर के जैसा निकला हुआ है, ऐसे रहने से आपका मोबाइल जो है, अगर देखिए मेरे पास एक मोबाइल है ऑलरेडी वही कवर डाला हुआ है, देखिए ये जो है बम्पर है, अगर आपका मोबाइल गिर भी जाता है तो आपका मोबाइल जो है इतना जल्दी क्रैक नहीं होगा और जो है आपका सेफ्टी जो है बचा रहा है, मतलब बना रहेगा, और आपका मोबाइल जो है प्रोटेक्शन के लिए बहुत अच्छा होता है। और उसमें जो है आपको देख के लेना है, कैमरा बम्पर भी ऐसे निकला हुआ रहना चाहिए। अगर कैमरा बम्पर जो है निकल के रहेगा तो आपका कैमरा जो है स्क्रैच नहीं होगा, तो ऐसे देख के ही लेना है। और देखिए अभी जो ट्रेंडिंग में चल रहा है ये कवर चल रहा है, लेकिन ये कवर अच्छा है, लेकिन ये थोड़ा हार्ड है। और ये मोबाइल का कवर डालने से आपको जो प्रॉब्लम होता है क्या होगा ना, उसका अंदर में जो है स्क्रैच हो जाता है, आपको पता नहीं चलता है, धूल मिट्टी अंदर में घुस के जो है धीरे 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 अंदर में स्क्रैच हो जाता है। तो आप डाल सकते हैं, देखने में तो अच्छा है और इसमें कैमरा बम्पर भी है, लेकिन इसमें जो है प्रोटेक्शन के लिए चारों कोना में बम्पर नहीं है, किसी किसी में भी आता है। आपको जो अच्छा लगे वो डालिए, लेकिन आपको अगर अपना मोबाइल को प्रोटेक्शन में रखना है, चारों तरफ से अगर ध्यान में रखना है, तो आपको जो है सॉफ्ट केस लेना है और चारों कोना में जो है अपना बम्पर जैसे निकला हुआ है ऐसा ही कवर देख के ही आपको लेना है। और ये जो है थोड़ा सॉफ्ट भी है और इसमें बम्पर भी है, ऐसा कवर आप जो है यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये कवर जो है आपको अच्छा रहेगा, ठीक है। लेकिन सबसे अच्छा है कि अगर आप ये लेदर केस लेते हैं, देखिए ये पूरा सॉफ्ट है, या तो सिलिकॉन केस लेते हैं, तो उसमें अगर बम्पर वाला मिल जाता है तो सबसे बेस्ट है और आप उस कवर को यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसमें जो है आपका मोबाइल का कवर पीछे जो कवर होता है, मतलब पीछे जो ग्लास होता है या तो प्लास्टिक होता है, उसमें स्क्रैच नहीं होता है, इतना जल्दी जो है स्क्रैच नहीं होता है, और उसको आपको ध्यान में रख के जो है आपको अपना मोबाइल का बैक कवर चुनना है, ठीक है। आज का वीडियो में इतना ही। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, ऐसा आगे वीडियो देखने के लिए मेरा वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।